चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पैरा बोला कल कोनिक, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कल आपने कोनिक सेक्शन शुरू किया। कोनिक सेक्शन में अब जो डेफिनेशन है, कोन के बाद। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पैरा बोला अपन शुरू करेंगे आज से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैरा बोला। और आपको जैसा बताया कि सारे कोनिक सेक्शन, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सबका डेफिनेशन आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हो। बिल्कुल वही डेफिनेशन हर जगह पर है कि किसी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट को एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, और इन केस ऑफ पैराबोला एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 होती। तो यदि रेशियो 1 हो गया तो इनडायरेक्टली बात ये हो गई कि मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो यही डेफिनेशन है पैराबोला की। पैराबोला का जो डेफिनेशन है वही कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है, बस एसेंट्रिसिटी आपको 1 लेनी है। तो अपन डेफिनेशन यहां पर लिख रहे हैं पैराबोला की। तो पैराबोला इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच मूव्स थ्रू दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस, कॉल्ड फोकस, इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को आप बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हो गया डेफिनेशन कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। मतलब ये डिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो एसेंट्रिसिटी होता है, और चूंकि एसेंट्रिसिटी पैराबोला में 1 होता है तो इनडायरेक्टली मीनिंग ये हो गया कि PS जो है वो PM के बराबर होता है। मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर बराबर होगा। मतलब जो आपने यहां पर लिखा है वो ये लिखा है डेफिनेशन में, सपोज दिस इज अबाउट फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। दिस इज मूविंग पॉइंट PX, Y, और दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, इसको अपन ने अल्फा बीटा नाम। तो ये डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, PS और PM हमेशा बराबर होने चाहिए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का पाथ जिनकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, आपने वो सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर लेना है तो जो शेप आपको मिलेगी वो शेप आपको पैराबोलिक शेप। ये फिक्स पॉइंट को आप फोकस बोलते हैं, ये फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो डेफिनेशन थी PS by E, PS by PM बराबर E,
क्योंकि फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज वन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है पीएस अपॉन पीएम इक्वल्स टू ई, ई को हमने वन डाल दिया, दिस इंप्लाइज पीएस बराबर पीएम। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन है कि हमेशा ऐसे पॉइंट का लोकस होगा जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल बराबर आए, और जिस पाथ पर ये पॉइंट पी मूव करेगा वो पाथ आपका पैराबोलिक शेप बनेगा। तो अब हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर पैराबोला की निकाल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड शेप आपने पढ़नी है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। वही डेफिनेशन है, बस एसेंट्रिसिटी को वन ले लिया है यहाँ। Take the screenshot of this page. If you have any doubt, face any difficulty, उसको पूछ लीजिए। अपन यहाँ पर standard equation of parabola पे discussion कर रहे हैं। Page number 2 पर next heading डालेंगे standard equation of parabola। Basic idea बस यही है। मतलब जैसे सर्कल में आपने सीखा था सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर कभी भी किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने आए तो आप दो बातों पे फोकस करिए कि किसी भी तरीके से कोई भी उठा पटक करके आपको फिक्स पॉइंट मिल जाए, मतलब फोकस मिल जाए और फिक्स लाइन मिल जाए। ये दो बातें यदि आपने निकाल ली गिवन डेटा से, फिक्स पॉइंट मतलब फोकस, फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स, then you get the equation of parabola, तब parabola का equation लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। So moving on to the second page, which is the standard equation of parabola, next heading है हमारी standard equation of parabola। तो अगला हेडिंग है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स करना होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम ये पैराबोला का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, और इस पैराबोला के लिए हमने यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स कर दिया। ये हमने माना है लेट इस पैराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं पर हमने पैराबोला की फोकस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक पॉइंट तो हमको गिवन होगा तभी हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो हमने ये मान लिया कि इस पैराबोला पर एस ए कॉमा जीरो कोई फिक्स पॉइंट है, और जैसे ही आप इसका फोकस फिक्स करते हो वैसे ही इसकी डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हो जाती। मतलब ये पॉइंट के लिए क्योंकि आपने पढ़ा है पैराबोला का डेफिनेशन जो है वो है पी एस बराबर पीएम होता है पैराबोला। पीएस मतलब मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, और पीएम मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो यदि आप यहां पर इस पॉइंट को फिक्स करते हो ए कॉमा जीरो पर, ए कॉमा जीरो पर यदि मैंने फोकस फिक्स कर दिया तो आप जानते हो कि यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो कि ऑलरेडी पैराबोला पर लाई करता है, जिसको हम पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स आल्सो लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कर्व, और बाय द डेफिनेशन पीएस और पीएम बराबर होने चाहिए। मतलब ये जो मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है ए, उतनी ही डिस्टेंस आपकी इसकी फिक्स स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए।
तो यदि ये डिस्टेंस ए है तो अपन ए डिस्टेंस पर यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, ये लेंथ भी ए होगी। बस यहाँ पर जब आप इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे जेड का कोऑर्डिनेट, तो जेड का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो होगा, और चूंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसी लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे ही आपने ये फिक्स किया वैसे ही दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि इस पूरी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा एक्स बराबर माइनस ए। मैंने जैसे ही फोकस फिक्स किया वैसे ही मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख दूंगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों मिल गया। अब अपन सीधा उठा के डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। सो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पीएस और पीएम बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। पीएस मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, पी आपका ये है एक्स कॉमा वाई, और पीएस यदि आप बोलोगे तो पीएस ये लेंथ होगा, पी और एस के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो पीएस हमारा आएगा स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। और ये जो पीएम लेंथ है, पीएम लेंथ मतलब पॉइंट पी से लाइन पे तो परपेंडिकुलर का लेंथ, ये है पीएम। तो पीएम का लेंथ आप बता ही सकते हो। यहां से अपन ने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है सिंपल दिशा। यदि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये लेंथ एक्स हो जाएगी, ये लेंथ ए है, तो टोटल लेंथ जो है वो एक्स प्लस ए हो जाएगी। मतलब पीएम का लेंथ कितना आएगा एक्स प्लस ए, तो पीएम का लेंथ एक्स प्लस ए होगा। अब सिंप्लीफाई करना है, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब आप आगे चलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू ए। इस माइनस टू एक्स को वहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स आएगा। दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। इस तरीके से ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए थे। डेफिनेशन का यूज करना है पी एस बराबर पी एम। और एक जरूरी बात जो आपको सबसे पहले पॉइंट फिक्स करना ही पड़ेगा, विदाउट फाइंडिंग दिस पॉइंट आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो पैराबोला के लिए हमने एक पॉइंट फिक्स किया, पॉइंट की हेल्प से वी गेट द डायरेक्ट्रिक्स, एंड वंस वी गेट द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला के हर क्वेश्चन में आपने यही अप्रोच यूज करनी है कि आपने कैसे भी करके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता कर लेना है। वंस यू गेट द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स देन अप्लाई दिस डेफिनेशन पी एच बराबर पी एम एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आप जानते हैं कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि दो वेरिएबल है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब इस पैराबोला से रिलेटेड अपन कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा ना? जब भी स्टैंडर्ड की बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो नमन क्या डाउट? सर इसमें पी एस और पी एम इक्वल का होगा, मतलब होंगे क्या? डेफिनेशन है ना? डेफिनेशन तो है बट तो भी नहीं लग रहा ना, इसलिए नहीं लग रहा है इसको, थोड़ा सा और सरका दो तो बराबर लगने लगे। ये है पी एस। कर्व पे कोई भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। आपको ऐसे ही सारे पॉइंटों को ज्वाइन करना है जिनकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम हो। इसका आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। एक पॉइंट फिक्स कर लें और एक लाइन अपन ले लें और आपको मूव करना इस तरीके से कि आपका पॉइंट का डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। तो आप जिस पाथ पे मूव करेंगे वो शेप हमेशा ऐसी आएगी। पी एस और पी एम बराबर रखने हैं साथ में। सर आपने जो उधर एक्स लिखे है वो ए एस की लेंथ नहीं है ना, उसके पहले जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है ना? ये ए प्लस एक्स है, पीएम का लेंथ
पीएम का लेंथ ये लेंथ होगा और ये लेंथ तो ए है और ये एक्स हो जाएगी तो ए प्लस एक्स लेंथ हो गया पीएम। और कोई डाउट क्वेरी? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बहुत एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सम टर्म्स रिलेटेड टू दी पैराबोला। कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि इसके लिए आपको याद रखना है। पेज नंबर 3 सर, वो स्ट्रेट लाइन कोई भी ले। क्या बोले ऋषभ? क्या बोले? वो स्ट्रेट लाइन कोई भी ले सकते ना, जरूरत नहीं। मतलब समझा नहीं सर। जमीन, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ मतलब वो जो अभी अपन ने स्ट्रेट लाइन लिया x इक्वल्स टू माइनस ए वाली, वो मतलब वो जो ए पॉइंट s और a का डिस्टेंस है, हमेशा a का डिस्टेंस उससे उतना ही रहना चाहिए क्या? हाँ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। s और az बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा ठीक है सर। मतलब ये कर्व पे कोई भी पॉइंट आएगा उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस पे होगा। ये सर सारे पॉइंट्स ही ऐसे हैं जिनकी पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस सेम बनी हुई है। सर वो जो x लेंथ है x, वो as का ले as का लेंथ है कि वो उसके पहले जो परपेंडिकुलर लगा है उसका है? a लेंथ, a से z तक का जो लेंथ है वो a है। जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपने ये पढ़ा है कि ये लेंथ x और ये लेंथ y होती है। तो यहां से यहां तक इसको n नाम दे दो, तो ये n हो गया। अब आपका ये जो PM है, ये PM NZ के बराबर हो गया। NZ को आप लिख सकते हो NA plus AZ। NA का लेंथ है X और AZ का लेंथ है A, इसलिए PM का लेंथ X plus A लिखा। इसलिए PM का लेंथ X plus A आता है। चले तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सम स्टैंडर्ड टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। Some terms related to parabola. ये जितने भी टर्म्स हम आपको बता रहे हैं सब कुछ आपके लिए एकदम नया है, लेकिन इलिप्स में भी आपने यही पढ़ना है, हाइपरबोला में भी यही पढ़ना है। मतलब आगे जब चैप्टर आपके बढ़ेंगे तो आप इन टर्म्स से यूज टू हो जाएंगे, बहुत बार हमने इनको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर होती है एक्सिस। अभी आपने जो पैराबोला बनाया अपन उससे रिलेटेड टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, हमेशा याद रखें ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सारे। ये फिक्स पॉइंट को अपन फोकस बोलेंगे, ये जो फिक्स लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स, ये पैराबोला जब राइट हैंडेड पैराबोला था इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखा, ये राइट हैंडेड पैराबोला। वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल A से डिनोट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमेशा z हो। तो हमेशा जब भी आप पैराबोला बनाए तो इतने नोटेशन हमेशा फिक्स कर दें। s फोकस है, a वर्टेक्स है एंड z जो है
इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो आप ये जानने लगे हो कि ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है। आप देखिए टर्म्स इससे रिलेटेड, सबसे पहली बात तो पैराबोला की आती है इसमें एक्सिस। एक्सिस आप किसको बोलेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिक। एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, क्योंकि यदि एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला की दोनों ब्रांच को आप ओवरलैप करेंगे, दोनों ब्रांच को फोल्ड करेंगे, तो ये दोनों ब्रांच ओवरलैप करेंगी। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जितना पोर्शन आपको ऊपर जैसा दिख रहा है, वैसे ही पोर्शन नीचे भी दिख रहा है। तो जिस लाइन के यदि हम बोले कि पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दोनों ब्रांच को आप एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करोगे तो दोनों ब्रांच ओवरलैप करेंगी। तो जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है वो लाइन को आप एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। तो यहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिक। इन दिस केस x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला और x एक्सिस का इक्वेशन होगा y बराबर जीरो। तो इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो y बराबर जीरो है, x एक्सिस। किसी भी कर्व के लिए हमेशा वो लाइन जिसके अबाउट पैराबोला या कोनिक सिमेट्रिक होता है वो लाइन हमेशा उसकी एक्सिस कहलाती है। सो हियर एक्सिस इज द x एक्सिस, its equation is y equals to zero, इसको अपन बोलेंगे axis। दूसरा पॉइंट है इसका vertex। vertex को कैसे define करना है आपने? vertex, तो parabola का जो vertex होता है, vertex वो point होता है जहां पर axis parabola को मिलती है। ये आप देख रहे हो जो axis of parabola है वो parabola को, इस conic को पॉइंट ए पर मिल रहा है, जहां पर कोनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को मिलेगा। द मीटिंग पॉइंट ऑफ कोनिक एंड द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो यहां पर आप देख रहे हो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये आपने कोई शेप बनाया, ये कोई पैराबोला है और ये पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा, मतलब एक्सिस और पैराबोला जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स। सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ कोनिक एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड vertex, और इन दिस केस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ये पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है वो हमारा 0.0 पर, 0.0 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस कोनिक। जहां पर ये सभी जगह डेफिनेशन सेम है, कोई भी कोनिक सेक्शन जहां पर अपनी एक्सिस को आके मिल जाएगा वो पॉइंट आपके वर्टेक्स बन जाएगा। तो ये हो गए वर्टेक्स, एक्सिस होगी, वर्टेक्स हो गई। उसके बाद दो बातें अपन पहले ऑलरेडी बना चुके, इसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो अपन लिख लेते हैं। फोकस क्या होता है? तो फोकस दो फिक्स पॉइंट आपने डेफिनेशन में डिफाइन किया है, जो आप लिखते थे ना, इट इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उसी फिक्स पॉइंट को आप बोलते हैं फोकस। तो ये जो फोकस है ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको हमेशा हम एस से डिनोट करेंगे और कोऑर्डिनेट इस केस में 1.0 होता है। तो यहां जो 4a लिखा है, 4a को 4 से डिवाइड करोगे तो a बनेगा, इसी a को अपन बोलते हैं 1.0 को पैराबोला का फोकस। जैसे मैं आपको दे दूं y² = 12x, इस पैराबोला का यदि फोकस निकालना है तो आप इस पैराबोला को सबसे पहले 12 को 4 into 3x लिख लेंगे।
अब आप यदि इससे कंपेयर करोगे तो एक ही जगह पर तीन लिखा है, तो यदि आप इसका फोकस लिखेंगे तो फोकस इसका 3.0 पर होगा, ठीक है। सो फोकस होगा 1.0, ये अपन जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं ये इस पैराबोला के लिए लिख रहे हैं। इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, इस पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इस पैराबोला का फोकस 1.0 पर होता है, ये इसका फोकस है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो आपका फोकस होगा। अगली बात जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स स्ट्रेट लाइन को अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और फॉर दिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है x = -a, या फिर आप इसको लिख सकते हो x + a = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो चार बातें हमने लिख ली, एक्सिस लिख लिया, वर्टेक्स लिख लिया, पैराबोला का फोकस लिख लिया और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख ली। चार बातें हो गई हमारे पास। इसके बाद कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले अब अपन यहां पर एक बात कर रहे हैं कि फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड जैसे ही नाम से शो हो रहा है, इस पैराबोला की बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं, और वो सारी कॉर्ड जो कि फोकस से पास होंगी दे आर कॉल्ड द फोकल कॉर्ड, ठीक है। सो यदि आगे कहीं पर वर्डिंग आता है फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे, फोकल कॉर्ड, तो इट इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला passes through focus is called focal cord। और infinitely many, क्योंकि इससे पास कराना है, और आप जानते हो 2D में एक पॉइंट से पास होने वाले infinitely many लाइन हो सकते हैं, तो वो सारे लाइन जो फोकस से पास होंगे सारे के सारे फोकल कॉर्ड कहलाएंगे। तो अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। तो द कॉर्ड ऑफ पैराबोला passes through the focus is called the focal cord। और एक और वर्ड इसमें आता है which is called the double ordinate, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन में इतना पूछा जाता है कि इसका डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, फोकल कॉर्ड क्या होगी, पैराबोला दे देते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पूछते हैं, फोकस पूछते हैं, इसलिए टर्म्स को बड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, फोकल कॉर्ड क्या है, डबल ऑर्डिनेट क्या है। तो डबल ऑर्डिनेट जो है, डबल ऑर्डिनेट इट इज अगेन, डबल ऑर्डिनेट अगेन अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला बट इट इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। दो चीजें हैं पैराबोला में, एक तो फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं, और एक तो फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो फिक्स पॉइंट से पास होने वाली, मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड को फोकल कॉर्ड बोलेंगे, और फिक्स लाइन के पैरेलल जितने कॉर्ड होंगे वो सारे कॉर्ड को हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। सो डबल ऑर्डिनेट इज अगेन द कॉर्ड ऑफ पैराबोला व्हिच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्योंकि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो इस पैराबोला की जितनी भी कॉर्ड है जो कि सारे के सारे ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होंगे उनको अपन डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। सो डबल ऑर्डिनेट अगेन अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला बट पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। दो प्रकार के कॉर्ड है, एक तो वो सारे कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए उनको फोकल कॉर्ड बोलोगे, एक सारे वो कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएंगे उनको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। अब इनमें एक कंडीशन ये भी बनती है कि ऐसा कॉर्ड भी बन सकता है जो कि फोकस से भी पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के भी पैरेलल हो, मतलब ये ऐसा कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं जो फोकल कॉर्ड भी हो और डबल ऑर्डिनेट भी।
इसको एक नया नाम दिया गया है, जनरली उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको पढ़ा जाता है। तो अपन इसमें एक और कॉर्ड पढ़ रहे हैं पैराबोला की, जो कि फोकल कॉर्ड भी हो, जो कि डबल ऑर्डिनेट भी हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पर बता रहा हूं। ये सारे टर्म्स हैं और ये आगे आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह बार 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 देखने को मिलेंगे। एक्सिस पूछा जाएगा, वर्टेक्स पूछा जाएगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल कॉर्ड। पैराबोला में तो आपको एक ही फोकस दिख रहा है, जब आप एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां दो दो फोकस होते हैं। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। 6 टर्म्स अपन ने अभी तक पढ़े। जो है डायग्राम में बताओ ना कौन से, क्या बोले, जो कॉर्ड है वो डायग्राम में ड्रॉ करके बता दो ना। देखो ये जो जितने भी कॉर्ड बनेंगे, ये सारे कॉर्ड, ये सबको अपन बोलेंगे फोकल कॉर्ड। जितने भी कॉर्ड है जो फोकस से पास होंगे, ये फोकल कॉर्ड। उसके बाद पैराबोला के वो सारे कॉर्ड जो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होंगे, दे आर कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये डबल ऑर्डिनेट्स है, ये फोकल कॉर्ड है। अब मैं ऐसी कॉर्ड बता रहा हूँ जो फोकल कॉर्ड भी हो, डबल ऑर्डिनेट भी हो, वो अपन अगले बात पर, अगले पेज पर पढ़ रहे हैं। इनको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसी पैराबोला के लिए इनफाइनाइटली मैनी डबल ऑर्डिनेट और इनफाइनाइटली मैनी फोकल कॉर्ड हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन कॉर्ड विच इज डबल ऑर्डिनेट एज वेल एज फोकल कॉर्ड। इस पैराबोला के लिए एक और केवल एक ऐसी कॉर्ड होगी जो डबल ऑर्डिनेट भी होगी और फोकल कॉर्ड भी होगी, उस पर अपन अब चर्चा कर रहे हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 4 पर। सर, अगर अपना यही पैराबोला अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, अभी वो सब बता रहा हूं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता तो अपन डबल ऑर्डिनेट को डबल एक्सिस। मैं आपको ये देखिए, अभी मैं स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूँ और मैं इसको टोटल 4 पोजीशन में आपको बताऊंगा। ये राइट हैंडेड है, ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड होता है, ऐसे ही ओपन अपवर्ड होता है, ओपन डाउनवर्ड होता है। चारों के लिए मैं जितने भी टर्म बताया हूँ, ये चारों पैराबोला के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए जब तक अपन वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल एक पैराबोला के लिए सारे टर्म्स पहले समझ लें, फिर चारों पैराबोला के लिए मैं सारे टर्म्स आपको एक टेबल में अरेंज करके दूंगा, तो कहीं कोई शक की बात फिर नहीं रह जाएगी। सो मूविंग ऑन टू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगली कॉर्ड। अब मैं इस कॉर्ड पे डिस्कशन कर रहा हूं। सर स्क्रीनशॉट लेने दो ना। तो नेक्स्ट है एक ऐसा कॉर्ड जो कि डबल ऑर्डिनेट भी हो और जो कि फोकल कॉर्ड भी हो। डबल ऑर्डिनेट मतलब वो कॉर्ड जो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है बट पासिंग थ्रू द फोकस। देखिए यहां पर अपन डिफाइन, उसको डिफाइन करते हैं, वो कहलाता है लेटर रेक्टम। इन शॉर्ट उसको LR लिखते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अगला कॉर्ड है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम वो कॉर्ड है जो कि फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। मतलब इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, दी फोकल कॉर्ड parallel to directrix is called latus rectum। खत्म। मतलब दोनों खासियतें आने चाहिए, ऐसी कॉर्ड जो कि फोकल कॉर्ड भी हो और जो कि डबल ऑर्डिनेट भी। और इस पे बहुत डिस्कशन किया जाता है, मतलब इस पर बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मतलब जो मैंने बनाई है कि किसी, अभी तो अपन राइट हैंडेड पैराबोला की बात कर रहे हैं, वो पैराबोला जिसका इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये इसका फोकस है, ये इसकी एक्सिस है x एक्सिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपको ऐसी कॉर्ड बनानी है जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो
और फोकस से पास होती हो, मतलब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड द एलआर, ऐसा फोकल कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल रखा हुआ है और फोकस से पास हो गया। ये जो मैंने डेफिनेशन अभी लिखी ये वो है, इसको बोलते हैं एलआर। बाकी ये तो अपन जानते हैं कि ये जो फिक्स लाइन है इसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है इसको एक्सिस बोलेंगे, ये अपने पैराबोला का इक्वेशन है, ये फिक्स पॉइंट है जिसको फोकस बोलते हैं। तो एलआर इज अ कॉर्ड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब आप ऐसा करें कि फोकल कॉर्ड को डबल ऑर्डिनेट को मिला दें, वो एक ऐसी कॉर्ड ले लें जिसमें दोनों खासियतें हैं। कॉर्ड यदि फोकस से भी पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के भी पैरेलल है तब वो कहलाती है एलआर, और ये चूंकि दोनों का मिक्सर है इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एलआर बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा, एलआर के बारे में अपन अब थोड़ी सी जानकारियां यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एलआर जहां पर खत्म होता है पैराबोला पर, ये देखिए ये जो एलआर है ये एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये जो एल और एल डैश है इनको एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर बोलते हैं। ये एलआर के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी निकाल रहे हैं। अब अगली बात अपन पढ़ रहे हैं एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप बड़े इजीली बता सकते हो, चूंकि आप ये जानते हो कि ये फोकस से पास हो रहा है इसलिए एल और एल डैश इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो ए रहेगा, मतलब L का कोऑर्डिनेट A रहेगा X और L डैश का भी X कोऑर्डिनेट जो है वो A रहेगा। दोनों के X कोऑर्डिनेट A रहेंगे क्योंकि इस पूरी लाइन पर X कोऑर्डिनेट हमेशा A रहता है। क्योंकि आप ये जान रहे हो कि इस इक्वेशन के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है X बराबर माइनस A और LR जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, तो यदि मैं यहाँ पर अगली बात और लिखूं तो आपको इस पॉइंट से और क्लियर हो जाएगा कि अपन यहां पर इक्वेशन ऑफ एल आर यदि लिख दें पहले इक्वेशन ऑफ एल आर, तो एल आर का जो इक्वेशन होगा इस पैराबोला के लिए वो होगा एक्स बराबर ए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स बराबर माइनस ए और एल आर की इक्वेशन होगी एक्स बराबर प्लस ए, क्योंकि बोथ दी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बस माइनस ए कॉमा जीरो से पास होता है तो एक्स बराबर माइनस ए, ये ए कॉमा जीरो से पास होता है तो एक्स बराबर प्लस ए, तो एल आर की इक्वेशन एक्स बराबर ए होती है। और यदि मैं एल आर का इक्वेशन एक्स बराबर ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब है एल आर पर कोई भी पॉइंट ले लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ए रहे, एक्स कोऑर्डिनेट ए है। अब यदि आप पैराबोला की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट को ए डाल देते हो तो वाई स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर आता है, मतलब वाई की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस टू ए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और एक आएगी माइनस टू ए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो दीज आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, ये आपने याद रखना है। एल आर का इक्वेशन एक्स बराबर ए, एल आर क्या होता है फोकल कॉर्ड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, एल आर के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं तो ए टू ए और ए माइनस टू ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए कॉमा टू ए दोनों पॉजिटिव रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब ए कॉमा माइनस टू ए हो। और ये आप देख रहे हो एल और एल डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लेंथ ऑफ एल आर बोलते हैं। तो अगली बात जो इसमें एल आर में है वो है लेंथ ऑफ एल आर, तो वो तो अब आपके लिए बड़ा इजी हो गया। लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है, लेंथ ऑफ एल आर एल एल डैश के बीच का डिस्टेंस होगा, और यदि आप L और L डैश के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये लेंथ 2a है ये लेंथ भी 2a है, 2a 2a 4a हो जाएगा, तो LR की लेंथ 4a होती है। और मैं एक तरीके से और आपको बताता हूं कि पैराबोला में, ये पैराबोला है, इस पैराबोला में लीनियर टर्म के साथ जो कुछ भी नंबर लिखा है ये जो 4a लिखा है यही 4a लेंथ ऑफ LR होती है। मतलब जैसे मैं पैराबोला का इक्वेशन आपको y स्क्वायर बराबर 2x2 और आपको इसका एल आर का लेंथ पूछूं, इसकी एल आर की लेंथ 2 हो जाएगी,
जो भी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है वो हमेशा लेंथ ऑफ एलआर होती है, जैसा भी लिखा है पूरा उठा के उसको लेंथ बोल देना। तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका आपको बताता हूँ कि जो एल एल डैश है मतलब 4a, इसको याद आप ऐसे रखना कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएबल। पैराबोला की इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक क्वाड्रेटिक होता है एक लीनियर होता है, जो लीनियर वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो पूरा पूरा लेंथ ऑफ एलआर होगा। बस सीधा बात है, कहीं आपने सोचने की जरूरत भी नहीं है। कोई सा भी पैराबोला आ जाए जो लीनियर टर्म होगा उसका जितना भी कोएफिशिएंट होगा वो पूरी पूरी लेंथ ऑफ एलआर बनाता है। तो यहाँ पर एलआर का लेंथ होता है 4a। तो मैंने एलआर के बारे में आपको बताया, एलआर की खासियत ये है कि ये फोकल कॉर्ड होने के साथ साथ डबल ऑर्डिनेट भी होती है। इसकी इक्वेशन x बराबर a है, इसके एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर a2a a-2a हैं, और जो लेंथ ऑफ एल आर होती है ये 4a होती है। और एक चीज और आप ये समझ लें, यदि आप फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखोगे तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो 2a है, क्योंकि ये लेंथ भी a है और ये लेंथ भी a है। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो लेंथ है वो 4a है। इस पॉइंट को मैं जेड नाम दे देता हूँ, जेड। ये हमारा a हो गया, ये हमारा जेड। एस जेड का जो लेंथ होता है वो 2a होता है, और 2a मतलब 4a का आधा। मतलब कभी भी आपको यदि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, क्योंकि फोकस मतलब पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स मतलब लाइन, तो पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो और वो परपेंडिकुलर की लेंथ का डबल कर दो तो आपको लेंथ ऑफ एल आर मिल जाएगी। मतलब इसी लेंथ ऑफ एल आर को निकालने का एक रीजन और भी होता है, क्योंकि आप इस 4a को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2a, और 2a जो है इट इज द लेंथ बिटवीन एस जेड, मतलब इट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from focus onto the directrix। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको focus और directrix दे दें और length of LR पूछा है, तो focus और directrix से बजाय parabola की equation बना के उसमें x का coefficient देखने के आप क्या करोगे, सीधा focus से directrix पे perpendicular गिराओगे, जो लेंथ आएगी वो सेमी लैटिस रेक्टम आती है, मतलब लैटिस रेक्टम की लेंथ का आधा आती है, उसका डबल कर दोगे तो लेंथ ऑफ एल आर बन जाए। तो मेरे को यदि फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो मेरे को लेंथ ऑफ एल आर निकालने के लिए पैराबोला का इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा डायरेक्ट्रिक्स पे, जो लेंथ आएगी उसकी डबल मार दूंगा तो वी गेट दी लेंथ ऑफ एल आर। तो ये एल आर से रिलेटेड टर्म्स हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर वो एक और बताइए ना, हमने क्या बताया लेंथ ऑफ एल आर का? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपने अभी वो लेंथ ऑफ एल आर बताया ना, वो एक और बताइए ना। लेंथ ऑफ एल आर जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो पूरा जो नंबर जो भी लिखा है वो लेंथ ऑफ एल आर होती है। दूसरा लेंथ ऑफ एल आर निकालने का एक तरीका ये भी है कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो लेंथ आएगी 2a, उसका डबल कर दोगे तो हो जाएगा 4a, और 4a ही लेंथ ऑफ एल आर होता है। मतलब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का डबल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एल आर। मतलब लेंथ ऑफ एल आर इज द डबल ऑफ length twice of below, length of LR is the twice of length of perpendicular drawn from focus onto the directrix। सर वो एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a कैसे आया बताओ। यहाँ पर डालोगे x की जगह पर 2a, सॉरी x की जगह पर a, यदि x को a डालोगे तो ये बनेगा y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को लिख सकते हो 2a का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस टू होगा। और कोई डाउट? ओके सर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक दो टर्म्स और हैं, वो अपन अगले पेज पर देख रहे हैं, पेज नंबर 5। तो ये अपना एलआर हो गया, एलआर से रिलेटेड बातें होगी। अपन दो बातें और बात करेंगे, फोकल लेंथ। तो अगली बात है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है। मतलब इसकी डेफिनेशन आप ये लिखोगे तो वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और आपने यदि लेट बी एक्स वन कॉमा वाई वन बी एनी पॉइंट, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, देन इट्स फोकल लेंथ पी एस बराबर हो जाता है मॉड एक्स वन प्लस ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ। किसी पॉइंट का यदि फोकस से लेंथ निकालना है तो वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए और ये पैराबोला का ए ले लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला। किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो हमेशा याद रखें फोकल लेंथ की जो लेंथ होती है वो एक्स वन प्लस ए होती है। बड़ा इजीली निकाल भी सकते हो क्योंकि आप डेफिनेशन में जानते हो कि पी एस बराबर जो होता है वो पी एम होता है। मतलब यदि मैं पी कोई मूविंग पॉइंट ले लूं पैराबोला पर तो ये जो पी एस होता है ये पी एस पी एम के बराबर होता है। और पी एम की लेंथ आपने पढ़ी है एक्स प्लस ए होती है, वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। तो ये फोकल लेंथ आती है मॉड एक्स वन प्लस ए, लेंथ नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड लगाया हुआ है। तो दिस इज फोकल लेंथ। और अगली बात और इम्पोर्टेंट बात नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो कि आपको हर जगह पढ़ने। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square equals to 4ax is x बराबर 80 square y बराबर 280 ऐसा लेते हैं, where t is parameter। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हमने ये कारण ये है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना। तो 4 तो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, मैंने एक ए से और मल्टीप्लाई किया ताकि ए स्क्वायर बन जाए और साथ में एक पैरामीटर लिया। मतलब एक्स की जगह पर मैंने 80 स्क्वायर लिखा तो ये 280 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए वाई बराबर 280 आता। तो इसलिए हम इसको पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट यदि आप यहाँ डालोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए दिस इज दी पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे आपने सर्कल में भी पढ़ा, स्ट्रीट लाइन में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा, ऐसे यहाँ पे भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। दैट मीन्स जब आप पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं x, y, तो अपन x की जगह पर 80 स्क्वायर ले सकते हैं और y की जगह पर 280 ले सकते हैं। इसको अपन पैरामेट्रिक पॉइंट बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड
पैरामेट्रिक पॉइंट, या इसको दूसरे शब्दों में पैरामेट्रिक पॉइंट के साथ साथ टी पॉइंट भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज टी पॉइंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का टी पॉइंट भी कहलाता है, टी के टर्म्स में लिखा है तो पैरामेट्रिक पॉइंट बन जाएगा। सो पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे आपने सर्कल में पढ़ी थी, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, ऐसे ही यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन, x बराबर at स्क्वायर, y बराबर 280 होता है, t पैरामीटर है, और x कॉमा y इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो x कॉमा y की जगह at स्क्वायर 280 को पैरामेट्रिक पॉइंट बोलेंगे। याद हो आपने जब टेंजेंट के फॉर्म लिखे थे तो हम तीन फॉर्म में टेंजेंट लिखते थे, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। और पॉइंट और पैरामेट्रिक में फर्क केवल इतना ही था कि अपन वहां एक्स वन वाई वन की जगह आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिख लेते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी जब अपन टेंजेंट के वेरियस फॉर्म पढ़ेंगे तो टेंजेंट्स के वेरियस फॉर्म में जब आप पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म में जाओगे तो आप एक्स वन की जगह 80 स्क्वायर और वाई वन की जगह 280 लिखोगे। तो यह है पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस इज द लास्ट पॉइंट, ये 9 पॉइंट है और ये 9 के 9 अपन पैराबोला के चारों कर्व के लिए लिखने वाले हैं, वो आगे अपन जब आएगा, मतलब एक बार ये चीजें और रिवाइज होंगी तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए पैराबोला की ये सारी बातें, इनको अपन फिर चारों कर्व के लिए लिखेंगे कि कितना कितना इनमें चेंजेस आता है। ठीक है, इतना नोट कर लें, कोई आपका सवाल हो इसमें तो पूछ लीजिए। Very good. Take the screenshot of this page. Sir, जो focus length रहेंगे वो S से वो point तक का distance रहेगा। हाँ, PS जो होता है वो focal length होता है। चलिए, take the screenshot of this page. काफी सारे बच्चे leave हो गए हैं due to network issue. So अपन इसको continue करेंगे कल की class में। ठीक? इसका आप revise कर लीजिए। कल एक बार और अपन इसको रिवाइज करेंगे और चारों फॉर्म के लिए पढ़ेंगे ये सारी लेंथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभरात्रि, बाय एवरीवन। सर आपने अभी क्या बोले? बाय, गुड नाइट। सर उसके पहले बस यही बोला था, दो बार यही बोला। Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye.